हाय गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल सो ये है मिक्सिंग सीरीज़ का थर्ड पार्ट तो इससे पहले अगर आपने दो पार्ट नहीं देखे जिसमें मैंने प्रोजेक्ट सेटिंग्स को लेके और अपने ट्रैक के लेवल्स को लेके कैसे एडजस्ट करना है लेवल्स को तो आप बेसिकली उन वीडियोस को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा और वीडियो के लास्ट पर एंड पे भी मैं आपको मैंशन कर दूँगा प्ले को तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ई क्यू के बेसिक्स क्योंकि आप ई क्यू कैसे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने ट्रैक्स में जब आपके लेवल सेट हो चुके हैं और अब आप आगे ई क्यू और कम्प्रेशन से बढ़ रहे हैं राइट सबसे मेन चीज़ें हैं आपकी ई क्यू और कंप्रेशन नो मैटर वर्ड क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारी दिक्कतें हैं आपकी ट्रैक की कहीं ना कहीं ई क्यू और कंप्रेशन ही बेसिकली खत्म कर देते हैं एंड आगे जाके अगर आप कुछ और सर्टेन टचेज दें तो उसके लिए और डिफरेंट प्लग एंड ऑल रहते हैं राइट सो ओके फर्स्ट एट दी एंड ये जानते हैं कि ई क्यू एक्चुअली में क्या है राइट सो वट इज ई क्यू इक्विलाईजर बेसिकली क्या है तो so देखो बचपन से लेकर आज तक अगर आपने कभी अपनी कार के स्पीकर हो गया घर पर हो गया तो आप देखो कि बेस ट्रिबल हम बोलते हैं बाबा कि वो बेस बढ़ा दो उसका या थोड़ा बूस्ट कर दो एनऑल कर दो तो बेसिकली दीज आर द फ्रिक्वेंसीज दैट यू आर बेसिकली बूस्टिंग जो आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो राइट right? तब चाहे वो अपने घर में हो होम थिएटर्स एंड ऑल के साथ या अपने कार्स में हो के स्पीकर के साथ आप कर रहे हो राइट तो ई क्यू बेसिकली बेस्ड होता है हमारी ह्यूमन हीयरिंग पे तो हमारे जो ह्यूमन ईयर्स है अगर यहाँ पे मैं बेसिकली इसको बड़ा कर लूँ पैरामीट्रिक ईक्यू को तो जो हमारी ह्यूमन हीयरिंग है एक्चुअली में जो इंसान सुन पाते हैं वो है ट्वेंटी किलो हर्ट्स जो कि एक ई में लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है फ्रीकुन्सी वो एंड देन अगर मैं लेफ़्ट से राइट जाता हूँ तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है ई क्यू के हिसाब से बोल रहा हूँ राइट right? तो ट्वेंटी से ट्वेंटी किलो हर्ट्स तक हम सुन पाते हैं जो एंड रहता है हमारा तो ये हमारी ह्यूमन हीरिंग है तो ई क्यू उसी पे बेस्ड है बेसिकली हमारी ह्यूमन हीरिंग पे पे हम बेसिकली सुन सकते हैं ट्वेंटी सेवेंटी बीच में पर विद द टाइम और ऑल्सो किस तरह से आप किस तरह के इन्वामेंट में रहते हो आप अपनी इस हेरिंग को लॉस कर सकते हो राइट और उम्र के साथ आपकी एक्चुअली में हेयरिंग जाती ही जाती है फॉर तो एग्जाम्पल अगर आप कभी अपने मोम डैड से बात करोगे तो आप रियलाइज करोगे जैसे कि अब मैं रियलाइज करता हूँ कि मेरे मोम डेड बेसिकली थोड़ा सा चीज़ें सुन नहीं पाते राइट वे में तो मुझे थोड़ा लाउड होकर चीज़ें बोलनी पड़ती है राइट right? तो वो दिखाता है कि लाइक विद द एज इट रियली अफेक्ट्स द वे यू आर बेसिकली यू नो लिसनिंग टू द फ्रिक्वेंसीज एज अ प्रोड्यूसर इंजीनियर आपको अपने कानों को बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ेगा राइट लाउड इन्वायरमेंट्स को अवॉइड करो जितना हो सके राइट right? आप ईयर प्लग्स खरीद सकते हो तो देखो हमें ये तो जाना कि ईक्यू बेसिकली है क्या जिस तरह से हम सुनते हैं उसी का रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को दर्शाता है एक्चुअली में राइट हमारे ई EQ, क्यूलाइजर एक वो चीज़ दिखाता है और उसी तरह से हम साउंड को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं अब EQ के टाइप होते हैं जैसे ग्राफिकल ई है डायनेमिक ई सब डायनेमिक डायनेमिक्यू बाद में कभी हम डिस्कस कर सकते हैं पर दो मेन जो ईक्यू स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं वो एक ग्राफिकल ईक्यूए एक जो एक लिमिटेड बैंड के साथ है इसमें पहले से ही प्री डिसाइडेड है सारे बैंड देख लो पच्चीस तीस चालीस पचास से लेके ये ट्वेंटी किलोमेट में डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज है तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेन मेन फ्रिक्वेंसी जो एक यू नो नॉर्मली इंजीनियर ट्रीट कर सकता है उसके हिसाब से बेसिकली उन्होंने वहाँ पर रखा है तो उन्होंने कहेंगे उन सबको बांटा हुआ है तो इसमें पहले से ही बटा हुआ है तो यहाँ पे आप फ्रीली ज़्यादा मूव नहीं कर सकते आपको वही पर्टिकुलर बैंड उठाना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ेगा राइट इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं आप कर सकते वहीं पर जब हम पैरामेट्रिक ई में आते हैं यहाँ पर आप फ्रीली मूव कर सकते हो आपको जो चाहिए एक्चुअली में जिसके हिसाब से आप बेसिकली उसको ईजिली आप यहाँ बैंड को मूव हो अप एंड डाउन कर सकते हो उस पर्टिकुलर बैंड को वहाँ चेंज कर सकते हो आपको किस तरह से वो बैंड चाहिए राइट लो पास एंड ऑल तो एक यू के बेसिकली टाइप्स हैं डिफरेंट टाइप के बैंड्स किस तरह से कट कर सकते हो आप फ्रिक्वेंसीज़ को उसके ज़रिए हैं काइंड ऑफ राइट ओके गाइड सो अब पैराेट्रिक के एग्ज़ाम्पल को लेते हुए मैं अब आपको आगे ये बताऊँगा कि बेसिकली जो भी बैंड्स की हम जो बात करें बट इस बैंड बेसिकली या फिल्टर के जो टाइप्स होते हैं वो क्या है राइट right? पर तो उससे पहले थोड़ा सा एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में पहले कि लेफ़्ट से राइट जाते हुए मेरा ट्वेंटी से ट्वेंटी किलोहर्ट्स है वहीं पर मेरा जो एम्पलीट्यूड जो लेवल है फ्रीकवेंसी का बेसिकली जो मैं घटाता जुड़ाता हूँ वो मेरी वॉल्यूम है राइट राइट साइड पर आप देख सकते हो कि अपनी डी बी एस पी एल स्केल दी है पर एक इससे एक रफ़ आइडिया आपको बस मिल पाता है तो अगर आप चाहो एक्चुअली जब आप बेसिकली फ्रिक्वेंसी उठा रहे हो तो आप देख सकते हो ऊपर हिंट प्लानल पे आपको बेसिकली ये आता है कि आपने कितनी वॉल्यूम को बढ़ाया है तो इस चीज़ का ध्यान रखना तो बेसिकली जहाँ भी आप सेलेक्ट करोगे आपको फ्रिक्वेंसी बैंड होगा ऑब्वियसली राइट पर एक चीज़ का मुझे यहाँ ध्यान रखना कि मान लो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ तो मेरी फ्रिकुएंसी बैंड है पर इसके अराउंड और जो फ्रिक्वेंसीज़ होंगी वो भी एक्चुअली में अफेक्ट होंगी तो उसके लिए बेसिकली जो आप यूज़ करते हो वो है आपका क्यू जिससे आप बेसिकली डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये कितना वाइड और कितना बेसिकली नैरो एकदम थिन चाहिए राइट क्योंकि बेसिकली जितना ये कम होगा कि उतना कम एरिया आप अफेक्ट करोगे अदर फ्रिक्वेंसी बैंड्स के, के अराउंड राइट वहीं पे जितना वाइड होगा उतना ज़्यादा बेसिकली क्या करोगे अफेक्ट करोगे उसके अराउंड की और फ्रिक्वेंसी बैंड्स को तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पैरामेट्रिक में है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम अगर हम नए हैं कुछ भी है, तो हम ये गलती कर सकते हैं है, हमने उठाया और इससे हम सारी फ्रिक्वेंसीज को करेंगे और लोग फिर बोलते हैं कि मेरा मिक्स अच्छा साउंड नहीं कर रहा है क्योंकि आप क्यू को शायद कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो किस तरह से आप क्यू डिसाइड कर सकते हो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स पे ज़्यादातर इंजीनियर्स जो भी है अब डिपेंड करता है सिचुएशन भी मैं कभी नहीं बोलता एक ही तरह का ट्रिक यूज़ करते हैं तो वही भी अगर मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बेसिक नेचुरल साउंड कराना है तो उस पर हम देखेंगे काफ़ी टाइम लोग वाइड ई क्यू यूज़ करते हैं जैसे वोकल्स एंड ऑल पे या कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें वाइड क्यू को हम यूज़ करते हैं आप नैरो बैंड यूज़ होते हैं पर्टिकुलर तो फ्रिक्वेंसी को एकदम काटना है एरिया से जो बीसिक बिल्कुल भी यू you नो know, मैटर नहीं करती है मिक्स में तो उसको काटने के लिए आप नैरो को यूज़ कर सकते हो राइट इसको रिसट कर देते हैं क्योंकि तो मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैंड्स आपके पास अवेलेबल हैं जैसे स्टार्टिंग में अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ यहाँ पे तो यहाँ पे अगर टाइप पे जाओगे तो यहाँ देखो काफ़ी है जैसे कि है लो पास लो पास बेसिक क्या करता है कि लो पास या हाई कट इसे हम बोलते हैं है। जैसे बता रहा हूँ कि देखिए हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है राइट से लेफ्ट आएंगे तो फ्रिक्वेंसी घटती है राइट तो मतलब इंचू में इस तरह से दिखाया जाता है सो लो पास बेसिकली आपकी लो फ्रिक्वेंसी जैसे कि आप देखोगे एफ एल सबसे चीज है पर रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो यहाँ पे सब है बेस है तो अपना लो फ्रिक्वेंसी को आप प्रिजर्व कर सकते हो उससे बचा सकते हो और अपनी हाई फ्रिक्वेंसी को आप काटते हो तो यहाँ आ जाए अगर आप वोकल को सुने सिर्फ तेरे इश्क में

तो देखो। तेरे इश्क में पड़ जा ठीक है नेक्स्ट टाइप जो अपना यहाँ पे है बेसिकली आप डिसेबल भी कर सकते हो पर्टिकुलर उसको यहाँ से ऑन भी कर सकते हो एक्टिव कर सकते हो फिर यहाँ से इसी को यहाँ से टाइप बदल सकते हो फिर नेक्स्ट टाइप यहाँ दिखता है हमें बैंड स्टॉप जिसमें बेसिकली ये एकदम नॉज रहता है यहाँ से एकदम जहाँ भी बैंड स्टॉप में जहाँ भी आपकी फ्रिक्वेंसी होगी वो एकदम क्या हो जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया में एकदम कट हो जाएगी काइंड ऑफ kind of, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया से एकदम साउंड को वो करना है फ्रिक्वेंसी को निकालना है चल तेरे तो मतलब ये हो सकता है कि आपने नॉर्मल जो दूसरा एक और टाइप इसमें अपना ठीक है आ, वो दिखा हूँ पीक इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो ऑब्वियसली ये आपको फ्रीडम मिलता है कि आप कहीं भी मूव कर सको ऐसे फ्री फ्रीली आप देखो इसमें कुछ ऐसा इस टाइप में बेसिकली ऐसा कुछ वो नहीं कि लाइक बी से मेरे लोस कट रहे हैं हाइस कट रहे हैं ये सारी डायरेक्शन से बेसिकली आपको क्या करता है दोनों ही डायरेक्शन से बेसिकली काटता है फ्रिक्वेंसी को तो मे बी मानते हैं कि मैंने पर्टिकुलरली पहले कुछ फाइंड किया राइट तेरे इश्क में वैसे मैं इसको पहले ये क्यों कर रहा अच्छा लग रहा हूँ जैसे मान अभी ये फ्रिक्वेंसी राइट तो यहीं से मैं टाइप को ले सकता हूँ और फिर मैं बेसिकली बैंड स्टॉप कर सकता हूँ बेसिकली ये क्या है कि दैट पुलिंगसी डाउन उस उस ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं ये डायरेक्टली यूज कर लूँ वहीं से कि मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गई है तो बूम से वो फोटेक्स टाइप सेलेक्ट किया वो कहाँ से कट जाएगी फ्रिक्वेंसी राइट नेक्स्ट टाइप जो अपने दो टाइप रह जाते हैं वो अपने हैं एक है अपना लो शेल्फ अब लो शेल्फ और यू you नो know, अपने लो पास हाई कट हो गया या हाई शेल्फ या लो शेल्फ में फर्क बस इतना रह जाता है बेसिकली इसमें जब आप बेसिकली कट करते हो फ्रिक्वेंसी को पर्टिकुलरली क्योंकि वहाँ पे बस एम्पलीट्यूड डाउन होता है पूरी तरीके से पूरी फ्रिक्वेंसी वहाँ पे इफेक्ट नहीं होती है चल, चल तेरे इश्क में जा। अब इसी को अगर मैं लो यू नो कट कर दूं लाइक जो अपना बोलता हाई पास कर दूं तो आप देखोगे तेरे पर्टिकुलरली मैं उस जगह को ज्यादा अफेक्ट करूंगा क्योंकि लिटरली वो नीचे की को काटता रहेगा अब इसको यहाँ पे वापस से बदलते हैं अपना लो शेल्फ पे देख लो अब इससे थोड़ी लाइवली लग रही है बेसिकली यू नो साउंड तो ये बेसिकली आप साइड वाइज कर सकते हो कि किसी इंस्ट्रूमेंट को आप इस तरह से बेसिकली ट्रीट करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट एफ ऐसे ही करता है तो ये आपका हाई शेल्फ है राइट right? ये आपका लो शेल्फ है ये एप्लीकेशन वहाँ पे उसके जहाँ पे आप चाहते हो कि बस कि मैं चाहता नहीं कि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से बेसिकली यू नो कुछ कट करना ज़्यादा कम्प्लीटली बस हल्का सा मैं वहाँ से डाउन करना चाहता हूँ उस लेवल को और मैं फोकस चाहता हूँ मेरा पर्टिकुलर एरिया में तो ई क्यू इसी तरह की चीज़ों में यूज़ होता है जहाँ पे मैं फोकस क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे मैं अनवॉन्टेड फ्रिक्वेंसी को कट कर सकता हूँ या हटा सकता हूँ चलते में पड़ जा